हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज मैं आप लोगों के साथ नायका के न्यूली लॉन्च फेशियल ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। सो मैंने जो ये फेशियल ऑयल लिया है, ये एंटी एक्ने फेशियल ऑयल है और इसका जो नाम है वो है नायका नेचुरल स्किन पोशन फेशियल ऑयल। सो रिसेंट में नायका ने अपने कई सारे फेशियल ऑयल लॉन्च किए हैं, जिनमें से मैंने अपना जो एंटी एक्ने वाला है, बिकॉज यहां पे अब समर स्टार्ट हो गया है और समर में मुझे एक्ने पिंपल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैंने इसीलिए ये एंटी एक्ने वाला फेशियल ऑयल लिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी सीरम ट्राई कर रही थी, बट उसका रिव्यू जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और वो सीरम जो है वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है। बट मैं सोचा कि थोड़ा कुछ नया ट्राई करती हूँ, बिकॉज फिर आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, मतलब जिन लोगों को इस सीरम के बारे में जानना है कि सीरम जो है वो कैसा है, फेशियल ऑयल जो है वो कैसा है। तो मैंने फिर वो पिछला सीरम जो मैं यूज करती थी वो ना लेके मैंने ये नायका का फेशियल ऑयल परचेज किया, ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं कि ये जो फेशियल ऑयल है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये फेशियल जो है आप देख सकते हो, फेशियल ऑयल इस तरह की कार्डबोर्ड पैकिंग के साथ आता है, इस तरह की ब्लू कार्डबोर्ड पैकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की इनकी पैकिंग आती है, एंटी एक्ने वाले की इस तरह की ब्लू पैकिंग है। और प्राइस जो है इस फेशियल ऑयल का वो 699 रुपीज है, जिसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। सेल्फ लाइफ जो है इस सीरम की, फेशियल ऑयल की, मैं बार बार फेशियल ऑयल को सीरम बोल रही हूँ, बट ये सीरम जैसा ही है। सो शेल्फ लाइफ जो है इस फेशियल ऑयल की वो 2 साल है, आप 2 साल तक इस फेशियल ऑयल को यूज कर सकते हो। और एक्चुअल पैकिंग जो है इस सीरम की वो इस तरह की है, ये ग्लास बॉटल में आता है, इसमें मैंने ड्रॉपर फिट कर दिया, ये कैप के साथ आया था बट मैंने इसमें ड्रॉपर फिट कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, मतलब कि इसके मुझे इंग्रेडिएंट एक तो अच्छे लगे जब मैंने पढ़े, बिकॉज इसमें कोकोनट ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, ब्लैक क्यूमन सीड ऑयल है, विटामिन ई है, फ्लावर ऑयल है, मतलब कई सारे अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट इन्होंने इंक्लूड किए हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, 100% वेगन है, क्रूअलिटी फ्री है। तो ये चीजें, मतलब नायका की ये चीजें मुझे थोड़ी अच्छी लगती है कि वो कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के जो फेशियल ऑयल वगैरह है ये सब नेचुरल रखें। सो मैंने ये एंटी एक्ने वाला जो फेशियल ऑयल है ये मैंने परचेज किया और मुझे इस फेशियल ऑयल को यूज करते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं पूरे, मैं ये बोलूंगी पूरे मैंने 2 दिन भी इसको यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको 1 दिन ही यूज किया। और आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि 1 दिन ही सीरम यूज किया, फेशियल ऑयल यूज किया और मैंने रिव्यू आप लोगों को बताने लगी, तो मैं आपको अब क्लियरली बताती हूँ, बहुत ज्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, कि मैंने इसको फर्स्ट डे ट्राई किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसको नाइट से स्टार्ट किया लगाना, जैसे नॉर्मल मैं जो फेस वॉश यूज करती हूँ, फेस वॉश यूज किया, टोनर यूज किया और इसको फिर सीरम को यूज किया। पर्सनली मुझे इसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों को मैं भी शायद अच्छी लगती हूँ बट मुझे इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो जैसे मैं अपना नॉर्मल सीरम यूज करती हूँ उसी तरह से मैंने ये फेशियल ऑयल लिया, 2 ड्रॉप मैंने इसके लिए नॉर्मली लगाया नाइट स्किन केयर में और फिर मैं सो गई। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि अपने फेस पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज फिर उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे, सुबह 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 का शेड्यूल जो है वो मेरा बहुत ज्यादा बिजी रहता है। कुछ नहीं, फिर दोबारा जब मॉर्निंग रूटीन में जब मैं शावर लिया, फिर मैंने अपना सेम वही जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो फॉलो किया, दोबारा फिर मैंने सीरम 2 ड्रॉप मैंने इसके ट्राई किए, फिर मैं तब मुझे उस टाइम पे इतना कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीरम को यूज करने से पहले मैंने इसका पैच टेस्ट किया था, यहाँ पे अपने एल्बो पे टेस्ट किया था, वहां पे मुझे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फेस पे इसको अप्लाई किया, तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मॉर्निंग रूटीन मैंने कर लिया तो कुछ टाइम बाद, मतलब इवनिंग टाइम तक, मुझे अपने फेस पे बहुत छोटे 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 दाने फील हुए, मुझे अपने पूरे फेस पे फील हुए। अभी कैमरा में ऐसे नहीं दिखेंगे बट मैं साइड में आपको बैक कैमरा से मैं दिखा दूंगी, उसमें थोड़ा क्लियर दिख जाता है। तो मुझे अभी ऐसे टच कर रही हूं ना, तो वो दाने मुझे छोटे छोटे बारीक दाने हैं, रेड और व्हाइट कलर के, सो वो मेरे फेस पे हुए। मॉर्निंग में भी थे बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 1-2 ऐसे ही कुछ होगा, हो गया होगा, बट फिर जब मैंने इवनिंग तक देखा नेक्स्ट डे, तो वो पूरे फेस पे मुझे हो गए।
तो अभी आई डोंट नो आपको ऐसे समझ में आए, थोड़ा सा रेड देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे मुझे पूरे में यहाँ पे ये रेड दाने, रेड और व्हाइट है, चिन पे भी है, मतलब जहां जहां मैंने ये सीरम अप्लाई किया वो पूरी जगह पे मुझे यहाँ पे और ये फोर हेड पे भी। आई डोंट नो आप देख पाओ कि नहीं देख पाओ, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ इस तरह से, फ्रंट कैमरा से इतना समझ में नहीं आता है, बट फिर भी मुझे पूरे फेस पे दाने निकल आए हैं। तो यही एक रीजन है कि मैं आपको सिर्फ एक दिन में इस सीरम का रिव्यू बता रही हूँ। ऑब्वियसली जब डे वन में इसने, मतलब ये जो सीरम है किसी भी एंगल से मुझे सूट नहीं किया, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि मेरा स्किन टाइप जो है ऑयली है, एक्ने प्रोन है, प्लस सेंसिटिव है, तो हर चीज मुझे इजीली सूट नहीं करती है। और ये हुआ कि ये पहला फेशियल ऑयल है जो मुझे सूट नहीं किया, तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है मुझे सूट नहीं किया, मे बी और कोई इसे ट्राई कर रहा हो तो उसे सूट कर गया हो, बट मेरा जो सेंसिटिव ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है, उसको ही ये सीरम सूट नहीं किया। और फिर मेरे फेस पे अभी ऑलरेडी कई सारे दाने हो रखे हैं, तो फिर मैंने इसको दोबारा से ट्राई नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ऑब्वियसली मुझे पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है मेरे स्किन पे। सो अभी मैं फिर अभी फिलहाल मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए। और मेरा जो मैं पिछला सीरम यूज करती थी इलाना का, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे, वो डे वन से इफेक्टिव लगा, वो सीरम मेरा खत्म हो गया था। तो फिर जब मैंने अपने फेस की ये हालत देख ली कि खराब हो गई है, तो फिर मैंने तुरंत वो दोबारा वो सीरम मैंने ऑर्डर किया। अभी तो फिलहाल में वो नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए और मेरा जो फेस है वो पहले की तरह क्लियर हो जाए। तो सीरियसली वही होता है ना कि मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, कभी भी कोई चीज डायरेक्ट आप अपने फेस पे मत लगाना। और मैंने यहाँ तो डायरेक्ट फेस पे लगाई नहीं, फर्स्ट मैंने पैच टेस्ट किया, बट मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो ऑब्वियसली फेस पे चला जाएगा, बट ये फेस को थोड़ा इसने डैमेज कर दिया। तो और मैं आपसे और क्या ज्यादा बोल सकती हूँ इस सीरम के बारे में। तो पर्सनली मुझे ये जो सीरम है, फेशियल ऑयल जो है, वो मुझे सूट नहीं किया। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो गया हो, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस फेशियल ऑयल को लेके, एंटी एक्ने फेशियल ऑयल जो कि नायका का है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज हमारे ही एक्सपीरियंस से आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो मेरे फेस की तो खैर बैंड बच गई है, बट कोई नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। हालांकि जो बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं उस टाइप का कुछ नहीं हुआ, जो छोटे जैसे कोई चीज रिएक्ट कर जाती है तो वो मुझे ऐसे ही छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो अब ये ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो यही था मेरा एक पर्सनल रिव्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस इस नायका पोशन, स्किन पोशन एंटी एक्ने फेशियल ऑयल को लेके। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आप और वीडियो देख सको जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।